मुद्दा करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो रहेगा। मुद्दा घोटाला है, वो रहेगा। मुद्दा महंगाई है, वो रहेगा। मुद्दा अपराध है, वो रहेगा। इन मुद्दों पर किसी तरह का हम कोई समझौता नहीं कर रहे हैं और इन मुद्दों पर हम किसी तरह की धूल या किसी तरह के उसको धूमिल भी नहीं होने देंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि जिन सज्जन की आप बात कर रहे हैं कि आए और वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो नहीं, अब तो मैं आपको इतना बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में आज जिस तरह से पिछड़े वर्ग के लोग, कमज़ोर तबकों के लोग, समाज के दबे कुचले तबकों के लोग आज भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के लोगों की आशा और विश्वास बनी हुई है, देश के लोगों की आशा और विश्वास बनी हुई है। इस तरह से मुझे लगता है कि अगर हम ये कह रहे हैं आपको कि साहब हम क्लीन चिट देते हैं, जो आ गया वो हमारे मंच पे वो बिल्कुल पाक है और जो नहीं है वो बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक सवाल है उनके बारे में, मैंने स्पष्ट कहा कि टिकट के बारे में हम तमाम कार्यकर्ताओं को पार्टी, तमाम लोगों को पार्टी ज्वाइन कराते हैं, ज़रूरी नहीं है सबको टिकट दें, इनको भी टिकट के बारे में पार्टी विचार नहीं कर रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारे स्टार कंपेनर आपने कह दिया, स्टार कंपेनर हमारे जो होंगे वो आपको लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से उसमें उनकी लिस्ट नाम नहीं होगा। कल आनंद फानंद में जो CBI के आज छापे पड़ रहे हैं, आज जो कार्रवाई हो रही है, एक साहब ने जिन्होंने हमारी पार्टी कल ज्वाइन की उनके यहाँ, हम उसको कोई किसी तरह का हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने पहले जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराधी, किसी भी भ्रष्टाचारी, किसी भी घोटाले के लिए सुरक्षा कवच नहीं है, लेकिन हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये घोटाला आज का है? क्या 24 घंटे के अंदर ये घोटाला हुआ है? और क्या इस घोटालों से जुड़े हुए कागज, दस्तावेज CBI के पास अभी एक घंटे पहले, दो घंटे पहले, या जो CBI भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आने से पहले उसके पास पहुंचे हैं क्या?